पुनी स्टॉक भाई, तुझे क्या लगता है हम इस दुनिया के सबसे ही बड़े जायंट आयरन मैन के सूट को कब तक तैयार कर लेंगे? भाई पिछले 4 महीने से बोल रहा हूँ बस हो जाएगा, लेकिन सच बताऊँ तो बहुत काम है इसमें। लेकिन तुझे पता है एक बार ये तैयार हो गया तो दुनिया का सबसे ही ज़्यादा सुपीरियर जायंट आयरन मैन का सूट होगा। हमारी दुनिया में जो तबाही है, गर्मी है, पानी लवा बना हुआ है, उस सबको मिटिग करना होगा। बिल्कुल सही कहा टोनी स्टार्क, आप कर सकते हैं। बिल्कुल हल्क तेरे साथ है टोनी स्टार्क, बिल्कुल तुम ही हमारी दुनिया को बचा सकते हो। ये बात तो सही कही है तूने टोनी स्टार्क। गाइस हमारी दुनिया में न जाने पानी कब से लावा बना पड़ा है, लोग पानी नहीं पी रहे। अरे बाप रे, अरे नहीं, फ्रैंकलिन नंबर से बर्बाद हो गए। नहीं ओ नो, ये क्या, फ्रैंकलिन मुझे बचा, मुझे में आग लग रही है। अरे बाप रे गाइस, आप लोग जल्दी प्लीज लाइक बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब करो। ये सब क्या हो गया यार, स्टार्क हमारी मेहनत बार बार बर्बाद क्यों जाती है? गाइस देखिए, इतना खतरनाक सूट था हमारा, इतना बढ़िया, और पूरी तरह से जल रहा है वो। फ्रैंकलिन हम क्या करें, ये सब पानी जो लावा बन गया उसी के सबका साइड इफेक्ट है। मेरे सारे सूट बर्बाद हो गए और ये दुनिया का इतना बड़ा जायंट आयरन मैन का सूट बनने से पहले तबाह हो गया। एक मिनट फ्रैंकलिन, ये क्या, ओ माय गॉड, ये तो लावा गॉड है। स्वागत नहीं करोगे मेरा एवेंजर्स? अबे ये लावा गॉड यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी दुनिया को और अपने दोस्तों को बचाना है। अरे इतने साल से, इतने महीनों से वही तो ट्राई कर रहे हैं इस दुनिया को बचाने का, तो तुम लोगों को सैक्रिफाइस देना होगा। सैक्रिफाइस किस चीज का? पहले अपने दोस्तों को देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या दिखाना चाह रहा है इसे? अबे फ्रैंकलिन उधर कौन है? ओ माय गॉड, ये लोग लावा पर क्या कर रहे हैं? वाह कितने बढ़िया लग रहे हैं। अबे सिंजन मिंजन चोप, तुम पागल हो क्या? लावा के ऊपर कौन जाता है? बाबा अच्छा, यहाँ तो पब्लिक भी मैं करिए। हमें डर नहीं लगता लावा से। भैया हमको लावा से डर नहीं लगता, हम बहादुर इंसान है बहादुर। अरे यार इनकी बहादुरी अभी निकल जाएगी, देखो ये मर रहा है। नहीं ये क्या हो रहा है, लावा गॉड इस सबको रोक दे। मैं भी नहीं रोक सकता सबको, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। तू झूठ बोल रहा है लावा गॉड, कोई बस इस सबको रोक सकता है। प्लीज हमारी फैमिली को बचा ले। मैंने बोला ना मैं कुछ नहीं कर सकता। ओ नो ये क्या हो गया? अरे भाई बच्चा हम जल रहे हैं। गाइस लावा में सारे के सारे लोग बुरी तरह से जल गए, मेरे सिंचन पिंचन चौप का आगे। गाइस मुझे मेरी फैमिली को बचाना होगा, ये लोग नहीं बचे तो मैं किसके लिए जीऊंगा? ए लावा गॉड एक मिनट, अवेंजर्स कहां गए? टोनी, टोनी अवेंजर्स नहीं है? एक मिनट फ्रैंकलिन, पागल हो गया क्या, यहीं कहीं होंगे? नहीं है भाई, मुझे लगता है इस लावा गॉड ने उनको भी शायद मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा। ये क्या कह रहा है तू लावा गॉड, तूने पहले हमारा सूट तबाह किया। बिल्कुल मैं इस लावा गॉड को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा लावा गॉड, तू हमारी जिंदगी तबाह करने आया है। बोला ना तुम लोगों को मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी, तभी जाकर मैं तुम्हारी फैमिली को और इवन तेरे सूट को बहुत ही बढ़िया जायंट आयरन मैन बना पाऊंगा, यहां तक कि एवेंजर्स को बचा लूंगा। नहीं मैं तेरी बात पे यकीन कैसे करूं कि एवेंजर्स जिंदा है नहीं है? मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, असल में मैंने तुम्हारे सारे एवेंजर्स को इस खोलते लावा के अंदर एक जाल में बंद कर रखा है। अरे बाप रे, ऐसी सजा कौन देता है? चिंता मत करो, ये लोग अभी जिंदा हैं, बस दर्द में हैं। इस दर्द को अगर खत्म करना चाहते हो तो मेरी बात सुन लो, मेरे काम पूरे कर दो, उसके बाद एवेंजर्स भी बच जाएंगे, मैं सबको जिंदा भी कर दूंगा, लावा को पानी भी बना दूंगा, और हाँ तुम्हारे इस आयरन मैन के सूट को दुनिया का सबसे सुपीरियर जायंट गॉड आयरन मैन भी बना दूंगा। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, तू पहले ये बता। हाँ ये तो है गाइस, कहीं हमसे कोई गलत काम ना करा रहा हो, फिर हमें आपको कैसे माफ करेंगे? फ्रैंकलिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, असल में यार हम अपनी फैमिली को कैसे बचाए? अब तो हमें लावा गॉड की मदद करनी होगी। तुम मेरी मदद करो या ना करो, तुम्हें यहाँ पर मेरा हुक्म मानना होगा, वरना तुमको भी मार दूंगा। अरे भाई अब बताएगा भी करना क्या है, असल में सन गॉड जो कि पहले वन हेडेड हुआ करता था, वो अब थ्री हेडेड हो गया है। मेरी उसने एक एलिमेंटल पावर चुरा लिया है, तुम्हें उस एलिमेंटल एग को मेरे पास लाना होगा। व्हाट, एलिमेंटल एग की बात चल रही है? बिल्कुल सही कहा, उसके पास मेरे दो एलिमेंटल एग हैं, लेकर आओ और अपने दोस्त को बचा लो। रे 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 रे। हम एक मिनट, हम तो सिर्फ ह्यूमंस हैं, ये गॉड होकर सन गॉड से अपनी एलिमेंटल पावर नहीं छीन सकता, तो हम कैसे छीनेंगे? फ्रैंकलिन हमें काम करना ही होगा। ओ माय गॉड सन गॉड तो गाइस इधर है। फ्रैंकलिन यार वो सही बोल रहा था, ये एक या दो सर वाला नहीं है, ये पूरे 3 सर वाला सन गॉड है। लेकिन इसका एलिमेंटल एग कहां पर होगा? मेरे हिसाब से अक्सर ये गॉड्स उन एलिमेंटल एग को सबसे सेफ जगह रखते हैं, और सबसे सेफ जगह मुझे लगता है इसके हेड के अंदर होगी। यार यहाँ पर तो कोई एलिमेंटल एग नहीं है टोनी स्टार्क, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी को बचा ना पाए। तो घबरा मत फ्रैंकलिन, हम यहाँ पर सबको बचा लेंगे। देख पहला वाला एलिमेंटल एग इस सन गॉड के हेड के जो मिडल वाला है, बिल्कुल बीच वाला, उसके अंदर है। तो दूसरा कहां पर है? दूसरा वाला भी हमें देखना पड़ेगा, वो भी यहीं कहीं होगा। गाइस चलो
जल्दी ऊपर जाते हैं और जाकर इस सन गॉड से एलिमेंटल को चुराते हैं। अरे बाप रे, मैं तो ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहा हूँ। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, अरे गर्मी, बहुत गर्मी हो गई, कोई बचा आपको? फ्रैंकलिन क्या हो गया? एक मिनट, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। ये सन गॉड है इसलिए गर्मी है। ओह नो दोस्तों, हम क्या करें, हम खुद की मदद कैसे करें? गाइस प्लीज हमें शक्ति देने के लिए वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब प्लीज। अरे बाप रे गाइस, आप सभी को हमारी मदद करनी होगी। आपको कमेंट में हेल्प मी ऑल फादर लावा गॉड लिखना होगा। जल्दी से गाइस हेल्प मी ऑल फादर गॉड लिखिए। हाँ गाइस जल्दी से हेल्प मी ऑल फादर लावा गॉड लिखिए, वरना हम यहाँ जल जाएंगे। लावा गॉड हमें बचा, हम यहाँ पर जल रहे हैं। ठीक है, बचाता हूँ, ये लो। ऑलराइट स्टॉक, तू बचा क्या? मैं बच रहा हूँ फ्रैंकलिन, रुक जा, मैं तेरे को भी आगे बचा लूंगा। गाइस मुझे जल्दी से यहाँ पर फायर, अरे मिल गई यहाँ पर गाइस, मुझे फायर विकेट मिल गई है। मैं जल्दी से काम करता हूँ, इसमें बैठ जाता हूँ और यहाँ पर फ्रैंकलिन की आग जितनी भी लग रही है उस सबको बुझा दूंगा। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं सन गॉड का एलिमेंटल एग कैसे छीनेंगे? ऊपर से यहाँ तो मुझे सिर्फ एक ही एग दिख रहा है, वो बोल रहा था दो एग लाना है। अरे जला दिया, अरे जल्दी बचा मेरे को फ्रैंकलिन, मैं जल जाऊंगा। बस बस रुक जा फ्रैंकलिन, रुक जा, हो गया बस। अरे बाप रे, बच तो गया मैं, लेकिन भाई हम सन गॉड के ऊपर कैसे जाएंगे? हम तो इस पर पैर भी रख रहे हैं तो यहाँ पर जल रहे हैं। बात तो तूने सही कही, लेकिन फ्रैंकलिन हम डायरेक्टली भी तो उड़ के इसके ऊपर जा सकते हैं। वो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है लावा गॉड, हमें सामने यहाँ पर एक खतरनाक रैंप चाहिए जिससे कि हम यहाँ पर अपनी फायर ब्रिगेड को जंप लगा लें। ठीक है, ये लो। क्यों, बहुत है स्टॉक, तेरा आइडिया तो बहुत ही कमाल का है, लेकिन क्या ये काम करेगा? काम तो करना चाहिए फ्रैंकलिन, मैं पीछे जाता हूँ और इसको दोबारा से ये मारा। ऑलराइट, अरे अरे भैया हम कितनी तेजी में ऊपर जा रहे हैं। क्या बात है फ्रैंकलिन, हम बस एक बार इस सन गॉड के हेड पे पहुंच जाएं, उसके बाद हम एलिमेंटल एक्स चुराएंगे और यहाँ से सीधे निकल जाएंगे अपनी फैमिली को बचाने, साथ साथ में एवेंजर्स को बचाने और अपने सूट को ठीक करवाने। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, मुझे बचा, मैं यहाँ पर गिरने वाला हूँ। फ्रैंकलिन तू कहाँ पर है? ओह नो, अरे बाप रे गाइस, ये स्टॉक चीख क्यों रहा है? मेरे को देखना पड़ेगा। स्टॉक रुक जा, बस मैं आ रहा हूँ मेरे भाई। अरे बाप रे, बड़ी जोर से लगी रे। ऑलराइट गाइस, मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। स्टॉक बोल कहाँ था? फ्रैंकलिन मैं नीचे गिर रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा। गाइस स्टॉक कहाँ है यार? टोनी मैं तेरे को बचा लूंगा। ओह माय गॉड गाइस, यार ये टोनी कहाँ पर फंसा हुआ है? गाइस मुझे धीरे धीरे करके नीचे जाना पड़ेगा और स्टॉक को बचा लूंगा। फ्रैंकलिन जल्दी कर, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं किसी भी वक्त गिर सकता हूँ। अच्छा मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा, ठीक है, मैं तीन करके जंप लगाऊंगा। 1 2 3 ऊपर ले, ऊपर ले, ऊपर ले, वरना मैं गिरने वाला हूँ। अरे बाप रे, इतना भारी क्यों है तो स्टॉक? अरे हालत खराब हो गई इसके ऊपर उठाने में। कमोन कमोन कमोन, आजा आजा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कमोन फ्रैंकलिन, ये अच्छा अच्छा मेरे भाई, अच्छा जल्दी आजा। यस यस यस, फाइनली गाइस मैं फाइनली बच गया। और चल फ्रैंकलिन जल्दी चलते हैं, हमें इस सन गॉड के मेन वाले हेड के अंदर जाना होगा। वाह क्या बात है, लेकिन यार यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एलिमेंटल एग है, और उस लावा गॉड ने बोला था दो एलिमेंटल एग लाने, लेकिन दूसरा कहाँ पर है? वो मुझे नहीं पता, वैसे भी हमसे इसने कहा था सन गॉड से एलिमेंटल एग छीनने, अब यहाँ पर सिर्फ एक है तो हम एक लेकर ही चलते हैं। बिल्कुल सही कहा, हमें हमारी फैमिली जिंदा चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए, और उसको लावा कोई पानी बनाना होगा। ओ माय गॉड, जैसे ही हमने सन गॉड से उसका एलिमेंटल एग छीना, वो यहाँ पर धरती में गायब हो गया। और गाइस एक चीज देखी थी, पहले वो 300 था, फिर बाद में बस वो 100 बचा। इसका मतलब गाइस ये जरूर ना यहाँ पर इन एलिमेंटल पावर्स की वजह से ही इतना ताकतवर होगा, तभी लावा गॉड हमसे एलिमेंटल पावर चाहता है ताकतवर होने के लिए। ऑलराइट गाइस, लावा गॉड मैं यहाँ पर तेरा एलिमेंटल एग ले आया हूँ। क्या बात है, जल्दी से ऊपर आ जाओ, लेकिन सबसे पहले हमारी फैमिली को प्लीज जिंदा कर दे। एक मिनट, ये क्या, ये तो सिर्फ एक ही एलिमेंटल एग है, मैंने तुमसे दो एलिमेंटल एग लाने के लिए कहा था। एक मिनट, ये कर क्या रहा है इन एलिमेंटल एग से? ओ माय गॉड टोनी, ये तो यहाँ पर 300 हो गया, मुझे 500 बनना था, मेरा एक और एलिमेंटल एग कहाँ है? तुमने कहीं छुपा लिया क्या? क्या, एक तो हमने तेरी मदद की, ऊपर से तू बोल रहा है हमने चोरी की है। हाँ यार स्टॉक, ये तो हमें धोखेबाज बोल रहा है। चुपचाप मेरा एलिमेंटल एग दो। अबे ओए, हमें सिर्फ एक मिला था, हमारी फैमिली छोड़ दे, अवेंजर्स हम तुमको बचा लेंगे। हल्क को बचाओ, हल्क कब तक टॉर्चर होगा? उड़ी किसम मुझे बचा लो, अब कोई नहीं बचेगा। तू तो कितना बड़ा चीटर है, ये ले ये ले ये ले, मैं तुझे चौन से मार दूंगा। मैंने बोला ना मुझे एक और एलिमेंटल एग चाहिए। यार हम सच बोल रहे हैं, सन गॉड के पास सिर्फ एक ही एलिमेंटल एग था। फ्रैंकलिन इधर देख, एक मिनट ये क्या, ये तुम्हारा गिफ्ट है, जाओ अब इस लावा गॉड के सूट को पहनो। व्हाट, एक मिनट, लेकिन तूने हमें एक गिफ्ट क्यों दिया जिससे कि तुम यहाँ पर मेरा एक और एलिमेंटल एग लेकर आओ? लेकिन वो कहाँ है? वो जरूर गॉड फादर टाइटन के पास होगा, सन गॉड ने जरूर वो एलिमेंटल एग उसको दे दिया होगा। ओह अबे व्हाट टोनी स्टार्क, ये लावा गॉड आखिरकार इतना बुरा भी नहीं है यार, इसने मुझे लॉन्ग नेक वाला लावा गॉड का सूट दे दिया। चलो गाइस जल्दी चलते हैं, असल में सन गॉड ना यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंटल एग लेके बैठा था, दूसरा एलिमेंटल एग इस गॉड फादर टाइटन के साथ है, मतलब ऐसा लावा गॉड को लगता है। खैर
क्या, जल्दी ऊपर जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि असल में एलिमेंट अलग का है। तुम कौन हो इंसान? मैं असल में इंसान नहीं, अब एक लावा गॉड हूँ, वो भी लॉन्ग नेक वाला। चुपचाप यहाँ पर हमें एलिमेंट अलग दे रहे। अबे फ्रैंकलिन सीधा क्यों चला गया सामने? पहले हमें चेक तो करना था कि यहाँ पर एलिमेंट अलग इसके पास है भी या नहीं। पता चले इस पर एलिमेंट अलग नहीं और हम यहाँ पर फालतू में से लड़ाई कर ले। नहीं स्टॉक, हमारे पास टाइम नहीं है, तू जानता है ना वेंजर्स कितने टॉर्चर हो रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो इसे डायरेक्ट मारते हैं। अरे तुम बेवकूफी कर रहे हो इंसान, कोई एलिमेंट अलग नहीं मिलेगा। अबे फ्रैंकलिन ये तो दुनिया का सबसे स्पेशल गोल्डन एलिमेंट अलग है, लावा गॉड जरूर इसी को बोल रहा होगा। हाँ वो तभी इतना गुस्सा था, इसका मतलब गॉडफादर टाइटन से हमें एलिमेंट अलग लेना होगा। तुम मुझसे कुछ नहीं छीन पाओगे, मैं गॉडफादर टाइटन हूँ, कोई तुम्हारी तरह मामूली कीड़ा नहीं। हमें कीड़ा बोलता है, मैं गॉड आयरन मैन हूँ, वो भी लावा वाला। तो खुद को बचा लो। अरे बाप रे फ्रैंकलिन ये तो मुझे मार रहा है। रुक, तुझे अभी जाल में बंद करता हूँ मूर्ख, उसके बाद तुझे अकल आएगी। अरे नहीं 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 नहीं, टोनी कहाँ पर गया तू? अरे बाप रे गाइस स्टॉक कहाँ गया? वो रहा, ओह माय गॉड स्टॉक, रुक मैं तेरे को बचा लूंगा। ओह नो ये स्टॉक है, एक मिनट अभी तो सब कुछ ठीक था, जाल कहाँ से आ गया? रुक स्टॉक मैं इस जाल को तोड़ लेता हूँ। फ्रैंकलिन ऊपर से चढ़ के देख यहाँ पर। हाँ बातों से गिरा है गाइस, ऊपर से जाल खुला हुआ है। मैं यहाँ पर टोनी को है व्हाट, अरे बाप रे यहाँ से बस फ्रैंकलिन, लगता है मैं मर जाऊंगा। नहीं मेरे भाई मैं तुझे बचा के रहूंगा, प्लीज टोनी। ये ले मैंने तुझे बर्फ में जमा दिया। हेल्प मी ऑल फादर लावा गॉड, मेरी मदद करो, मुझे जल्दी से इस बर्फ की कैद से छुड़ाओ। गाइस प्लीज हमारी मदद करो। ठीक है लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना, मैं बार बार मदद नहीं कर पाऊंगा। वाह थैंक यू सो मच लावा गॉड। ऑलराइट गाइस हमने यहाँ पर जितने भी जाल थे उन सबकी बैंड बजा डाली है। चल टोनी स्टॉक अब जल्दी चलते हैं, अब समय आ गया है गाइस इस गॉड फादर टाइटन की बैंड बजाने का। अरे बाप रे फ्रैंकलिन ये सारे गॉड बहुत खतरनाक है, बहुत बुरा मारते हैं। ये बात तो तूने सही कही लेकिन अभी हमें और नहीं मार पाएंगे क्योंकि अब यहाँ पर मेरे पास एक खतरनाक आइडिया है। ये क्या कर रहा है फ्रैंकलिन तू? मैं इतनी तेज घूम रहा हूँ, इतनी तेज घूम रहा हूँ कि तेरे को इतनी तेजी से फेंकूंगा इस गॉड फादर टाइटन पे कि लिटरली मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाएगा। ये क्या कर रहा है फ्रैंकलिन, चक्कर आ रहा है मेरे को? तुम इंसान पागल हो गए हो क्या, एक दूसरे को ही मार रहे हो? अभी पता चलेगा तुझे फ्रैंकलिन। बाप रे घुमा दिया मुझे। ये ले और वो फ्रैंकलिन ये क्या किया तूने? गाइस देखा मेरा प्लान काम कर दिया, इतनी फोर्स में मैंने टोनी स्टार्क को इसकी तरफ फेंका कि यहाँ पर गॉडफादर टाइटन से बैलेंस नहीं, वो नीचे गिर गया। बिल्कुल और अच्छा बात था मैंने यहाँ पे गॉड आयरन मैन का सूट पहन रखा था, इसलिए तुझे चोट भी नहीं लगी। और गाइस हमें गोल्डन एलिमेंटल एग भी मिल गया। चलो अब इस एलिमेंटल एग को जल्दी से लावा गॉड को देते हैं और अपनी फैमिली को बचाते हैं, क्या पता बदले में यार वो हमें और भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दे। बात तो तू सही कह रहा है फ्रैंकलिन, हम तो माला माल हो जाएंगे। जल्दी आओ इंसानों, मेरे पास वक्त नहीं है। ऑलराइट हम यहाँ पर तेरा गोल्डन एलिमेंटल एग लेकर आ गए, बहुत बढ़िया ये मुझे दे दो। हैं? अरे वो तो गायब हो गया। एक मिनट इस बार गायब हुआ लेकिन कोई छुआ नहीं। एक मिनट दोस्तों, हाँ यार इस बार तो बस ये थ्री हेडेड रह गया। हा, थोड़ा सब्र करो बच्चो। ओ भाई साहब फोर हेडेड, अबे फोर नहीं फ्रैंकलिन पूरे फाइव हेडेड ऑल फादर लावा गॉड बन गया। लावा गॉड प्लीज अब जल्द से जल्द उस लावा को पानी में बदल दे और साथ साथ में हमारी फैमिली को बचा ले, सिंचन पिंचन चॉप को भी और जितने भी उसके साथ लोग मरे थे उन सबको, और हमारा ये आयरन का सूट दुनिया का सबसे बेस्ट आयरन सूट बना दे। ठीक है जैसा तुम करो, देखो पहले मैंने लावा को पानी बना दिया। ओ भाई साहब गाइस यार गॉड्स के पास कितनी अद्भुत पावर होती है, काश गाइस हमारे पास भी ऐसी पावर होती है। आप भी ऐसी पावर चाहते हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना। बाकी यार हैं सिंचन पिंचन भी आ गए, ओए मैं भी बच गया। हाँ मजा ही आ गया मेरे को तो बचने के बाद। अरे हम भी बच गए, उडीन कसम मैं भी बच गया, हल्क भी बच गया, हे मैं भी बच गया। वाह भाई साहब कलवे ये सब कैसा हो रहा है, ये यहाँ पर लावा गॉड की मदद करने के बाद हो रहा है। लेकिन यार हमारा आयरन मैन का सूट अभी नहीं आया। ठीक है वो भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस फादर लावा गॉड ने हमें दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर फैमिली में से एक बना दिया है। अरे बिल्कुल सही कहा, हम तो धन्य हो गए, ऑल फादर लावा गॉड ने हमारी बहुत मदद की। और गाइस आप सभी सोच रहे होंगे मुझे और टोनी स्टार्क को वो जायंट डायमंड का सूट मिला या नहीं। देखो ये है हमारे छोटे वाले लावा गॉड डायमंड के सूट, लेकिन अब आपको वो सूट दिखाते हैं जिस पे हम सालों से काम कर रहे हैं। ये रहा देखा फ्रैंकलिन, मैंने बोला था ना गाइस ये प्योर गोल्ड एंड लावा के टेक्सचर से बना जायंट डायमंड का सूट है, और ये मेरा जायंट फ्रैंकलिन की शक्ल वाला लावा गॉड का सूट है। अगर आपको गाइस मेरा सूट ज्यादा अच्छा लगा टोनी का चला कमेंट में लिखकर बताइए, और हाँ स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।